हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा है चुकी है समय शिक्षा विभाग अपडेट में 6800 पदों पर नियुक्ति की बात को लेकर इस वीडियो में हम सभी हाजिर हुए हैं आपके समक्ष। और सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत करेंगे कि इन 6800 पदों पर जो अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग लगातार है उनकी, और उनका कह सकता हूँ कि उनका जो PDF जारी किया गया है, हालांकि उसमें जिला अभी डिसाइडेड नहीं है। क्यों नहीं डिसाइडेड? क्योंकि उसमें प्रीफेक्टर इन्वॉल्व जो हुआ है, प्रश्न चिन्ह जो बार बार उठाया गया है और न्यायिक प्राधिकरण में उसकी बात चल रही है। तो माननीय न्यायालय ने इस पर क्या कहा कि पद कैसे सृजित किए जाएं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो स्पष्ट बात कही थी विभाग को और सरकार को भी कि आप जो पद हैं उन पर 69,000 के अलावा एक पद भी एक्स्ट्रा आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एक पद भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उसको 69,000 का भर्ती का कैसे बताया जाए, तो उन्हीं बातों को लेकर अब बातचीत करेंगे। और स्पष्ट बात है कि 6800 पदों के लिए जैसा न्यायिक प्राधिकरण की तरफ से कहा गया था कि अलग से नियुक्ति आदेश निकालिए, यानी कि एक नोटिस निकालिए जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो कि अलग से हम नियुक्त करेंगे इन अभ्यर्थियों को। तो वैसा ही सरकार ने किया, 2 न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टीजमेंट सबके समक्ष उसका विज्ञापन दिखाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 6800 पदों पर नियुक्ति को लेकर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि जितने भी पद जो शिक्षक हैं उनके रिटायरमेंट से समायोजन से जो भी पद आपके खाली हुए हैं उन पदों पर आप इनको नियुक्त कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात ये है। तो बात यही है कि 6800 आरक्षण विसंगति मामले पर माननीय न्यायालय ने सुपर न्यूमेरिक पोस्ट यानी कि रिटायरमेंट पद और रिजाइन पद, जिन्होंने रिजाइन, जैसे कई ऐसे पद हैं 69,000 में ही कि जिन्होंने ज्वाइन तो किया था 69,000, मैंने देखिए कई बार आप लोगों से मैंने यही बात की थी जब 69,000 पद भर्ती चल रही थी, चाहे 31,000 हो, चाहे 36,000 हो, चाहे 66-96 पद हो, ये 3 स्टेज में 69,000 भर्ती को पूरा करने की बात कही गई थी, जिसमें स्पष्ट तरीके से ही बोला गया, मैंने एकदम आह्वान किया था कि जिनकी नियुक्ति कहीं और है, जैसे TGT PGT में या LT ग्रेड में या PCS के कई अन्य पदों पर भी, तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट का अर्थ है कि रिटायरमेंट के पद यानी जिन्होंने रिटायर लिया है वो पद जो सृजित, और लगभग एक वर्ष में 7,000 से 7,500 पद खाली होते हैं रिटायरमेंट से, यानी शिक्षक इतने खाली होते हैं एक वर्ष में, इतने पद आपके रिटायरमेंट से खाली हो जाता है। और रिजाइन पद भी लगभग 1,000 में ही होते हैं, तो कई 69,000 भर्ती में ही 68,500 में भी कई ऐसे पद रहे हैं जो रिजिग्नेशन से खाली हुए हैं। रिजिग्नेशन अर्थात जो TGT PGT में सेलेक्ट हो गए हैं या किसी अन्य विभाग में अन्य पद पर सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनके रिजिग्नेशन से जो पद खाली हुए हैं उन्हीं को लेकर ये बात मिली है। तो इस पर क्रिएट करके उस पर इन लोगों को नियुक्ति दे दिया जाए। विशेष बात, इन पदों पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है और कोई विवाद कभी जन्म नहीं लेगा, ये बड़ी बात है। तो आरक्षण विसंगति शादियों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये स्पष्ट, एकदम स्पष्ट तरीके से जान लीजिए कि इन्हीं पदों पर आपको नियुक्त किया जाएगा। और हमेशा याद रखिए, 6800 जो ये शिक्षक हैं आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थी जो हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, सजोए हैं, उनको मैं बार बार यही बात कहूँगा, किसी की बातों में आकर आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, न्यायिक प्राधिकरण में मामला गया है और आपके ही विरोधी लोगों ने न्यायिक प्राधिकरण तक खींचा इन बातों को, तो न्यायिक प्राधिकरण और विभाग मिलकर ही इसका जो है वो स्पष्ट तरीके से रास्ता निकाल रही है और आपको जल्द से जल्द बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। दूसरी बात, UPTET के रिजल्ट को लेकर मैं बता दूँ, UPTET का रिजल्ट जो है वो 25 फरवरी को आने वाला है। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2021 के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक परिणाम 25 फरवरी को जारी होना है। जब परीक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था तब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब आचार संहिता लागू होने के कारण परिणाम घोषित करने के लिए शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी गई है। तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में इसका भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।